नगर परिषद हमीरपुर के खजाने को हर माह लाखों रुपए की चंपक लग रही है और 30 लाख के करीब बकाया की रिकवरी नहीं हो पा रही है। नगर परिषद हमीरपुर के खजाने को हर माह लाखों रुपए की चंपक लग रही है और 30 लाख के करीब बकाया की रिकवरी नहीं हो पा रही है, जिस पर अब नगर परिषद ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए मूड बनाया है। नगर परिषद ने डिफॉल्टरों को 15 दिन का नोटिस देकर अल्टीमेटम दिया है कि इसके बाद भी गृह कर जमा न करवाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि नगर परिषद हमीरपुर के खजाने में 1,13,00,000 रुपए जमा हो गए हैं। हालांकि 31 मार्च तक सालाना हाउस टैक्स पर दी गई 10% छूट का शहरवासियों ने फायदा उठाया है, लेकिन बीते साल की तुलना में इस बार नगर परिषद की झोली में 10,00,000 रुपए कम टैक्स जमा हुआ है। अभी नगर परिषद के पास हाउस टैक्स के लिए डिफॉल्टरों की लंबी सूची पेंडिंग पड़ी हुई है। इनमें से कुछ तो अपना हाउस टैक्स जमा करवाते हैं, जबकि कुछ अपनी मनमानी कर अभी भी टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। इसका खामियाजा नगर परिषद को भुगतना पड़ रहा है और विभाग को हर माह लाखों की चंपत लग रही है। नगर परिषद हमीरपुर के ईओ विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि 31 मार्च तक नगर परिषद के पास कुल 1,13,00,000 रुपए का हाउस टैक्स जमा हो चुका है। इनमें से करीब 60,00,000 का हाउस टैक्स 10% छूट लेने वाले शहरवासियों ने जमा करवाया है। उन्होंने कहा कि अब नगर परिषद डिफॉल्टरों को नोटिस देने के लिए काम कर रही है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो शहर में करीब 35 से 40 लाख रुपए का हाउस टैक्स पेंडिंग पड़ा है। ईओ विनोद कुमार ने बताया कि कुछ लोग जो सालों से हाउस टैक्स पर कुंडली मारकर बैठे थे, वो कई बार नोटिस देने के बाद भी नगर परिषद कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे। इनमें से कईयों ने इस बार अपना हाउस टैक्स जमा करवा दिया है, लेकिन अभी भी कई लोगों ने लाखों रुपए का टैक्स जमा नहीं करवाया है। लाखों रुपए की देनदारी की वजह से नगर परिषद को रोजाना भारी चंपत लग रही है। हालांकि 1,13,00,000 रुपए जमा होने पर नगर परिषद हमीरपुर ने राहत की सांस ली है। नगर परिषद हमीरपुर ने पूरे क्षेत्र में जो हाउस टैक्स के बिलिंग थी वो हमने 31 दिसंबर तक जो थी 31 जनवरी के बीच जो था हमने पूरी कर दी थी। कुछ छिटपुट लोग थे जिनकी हमने फरवरी माह में भी बिलिंग हुई, तो हमारी जो एनुअल डिमांड थी वो लगभग 1,10,00,000 के बीच है और उसमें से हमें 31 मार्च तक लोगों ने एग्री कर जो है लगभग 1,13,00,000 के बीच जो है वो अदा कर दिया है। इसमें काफ़ी लोगों ने जो है हाउस टैक्स में रिबेट को अवेल अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, जिसमें हमने लगभग 10% प्रति बिल के हिसाब से हमने छूट दी है। अभी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ग्री कर नहीं दिया, काफी ज्यादा लोगों ने जो ग्री कर दे दिया। कुछ एक क्रॉनिक केसेज हैं जिन्होंने पीछे भी नहीं दिया था, वो ऐसे ही लोग अलबत्ता छूटते हैं, बाकी हमेशा हर साल जो है हाउस टैक्स की अदायगी जो है वो कर देते हैं। तो बकाए के रूप में ग्री कर है अभी लगभग 25 से 30 लाख के बीच जो है ग्री कर अभी बकाया होगा जो भी लोगों से आना है, क्योंकि इसमें हमारी जो बकाए की राशि है वो पिछले सालों से भी लंबित पड़ी है। तो इन लोगों के खिलाफ जो है अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले तो इनको नोटिस दिया जाएगा कि आप 10 या 15 दिन के बीच हाउस टैक्स की अदायगी करें, फिर भी अगर अदायगी नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ जो है कोर्ट में मुकदमा वसूली हेतु दायर किया जाएगा। ये हमारे नोटिस में कल ही बात आई कि जो हथली खड से ऊपर है कुछ प्लॉट तैयार किए जा रहे हैं, पर इससे नगर परिषद से अभी किसी प्रकार की कोई परमिशन या कोई अनुमति या कोई डिमार्क इसकी डिवीजन की या अप्रूवल की कोई भी हमारे पास उनसे कोई कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं। जब भी आएंगे तो इसको देखा जाएगा और अभी ये किस आधार पे कर रहे हैं इस पे हम मैंने जेई से भी रिपोर्ट लूंगा क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, तो इनके खिलाफ जो भी बनेगा इनको नोटिस वगैरह दिए जाएंगे।